अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खरगोन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, महेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा कारोबारी गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। खरगोन जिले में काफी समय से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा कारोबारी गिरोह के लोग अन्य शहरों से आकर चाइना कम्युनिकेशन चैनल बॉक्स तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से धोखाधड़ी कर क्रिकेट का सट्टा अवैध रूप से संचालित कर रहे थे, जिसकी सूचना कई दिनों से मिल रही थी। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि महेश्वर में कुछ लोग आईपीएल हैदराबाद चेन्नई के T20 क्रिकेट मैच में हार जीत के दाव पर रुपए पैसों से खेल रहे हैं। उक्त सूचना के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा खरगोन से एक टीम गठित कर दस्तक हेतु रवाना की गई। मुखबिर द्वारा बताए सहकारी बैंक के पास जैन मंदिर वाली गली में भूपेंद्र जैन के मकान में प्रथम तल पर घेराबंदी कर गठित टीम द्वारा दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा भूपेंद्र जैन के घर में जाकर देखा तो 5 व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर कई फर्जी सिम लगे मोबाइल लगाकर जिस पर लगातार कॉल आ रहे थे एवं कॉल के माध्यम से क्रिकेट मैच में हार जीत के दाव पर रुपए पैसे का हिसाब कर रहे थे। उक्त 5 व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया। पकड़ में आए व्यक्तियों ने अपने नाम जयंती लाल उर्फ मामा, पिता कस्तूर चंद जैन निवासी मेन बाजार थाना करही, कान्हा पिता जैसा सूर्यवंशी निवासी बलस गांव थाना करही, विकास पिता कमल कुमार जैन निवासी राजेंद्र नगर इंदौर, धीरज पिता हुकुमचंद वर्मा निवासी बिस्टान नाका खरगोन, राकेश पिता भीमसिंह वर्मा निवासी ग्राम सुल्तानपुरा करुंदिया थाना मंडलेश्वर होना बताया। उक्त 5 व्यक्ति सनराइज हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल T20 मैच पर फर्जी सिमों के माध्यम से धोखाधड़ी कर कम रुपए के बदले अधिक रुपए देने का प्रलोभन देकर अवैध क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे थे। उक्त 5 आरोपियों के कब्जे से आरोपियों से जब्त सामग्री टीवी 2, सेट टॉप बॉक्स 2, लैपटॉप 3, मोबाइल 36, वाईफाई राउटर 1, टोंगल 2, कम्युनिकेशन सेट टॉप बॉक्स 2, टावर बूस्टर 3, मोटरसाइकिल 1, स्विफ्ट डिजायर कार 1, वॉइस रिकॉर्डर 1, सट्टे के हिसाब किताब की डायरी व प्रिंट आउट जिसमें करीबन 40 लाख का हिसाब किताब लिखा हुआ है एवं कुल नकदी 1,44,000 रुपए आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया गया है। जब्त शुदा समस्त सामग्री की अनुमानित कीमत 11 लाख रुपए है। सूचना प्राप्त हुई थी कि महेश्वर में भूपेंद्र जैन नामक व्यक्ति जो अपने घर से एक आईपीएल के मैच जो कल हैदराबाद चेन्नई के बीच मैच था उसमें सट्टे की बात सामने आई थी। 2 इंस्पेक्टर दीपक और सुदर्शन के नेतृत्व में यहाँ से दल भेज के उनको पकड़ा गया। उनके कब्जे से सट्टे के जो उपकरण थे टीवी मोबाइल 36 मोबाइल लैपटॉप्स और नगद 1,44,000 रुपये राशि जब्त किया गया है। उनके पास लाखों की सट्टे की हिसाब किताब भी मिला है। पुलिस ने सभी उपकरणों को जब्त किया है और साथ में उनके खिलाफ फर्जी सिम उपयोग करने के संबंध में भी धाराएं बढ़ाई गई हैं। जी कितने 1,44,000 रुपये राशि जब्त किया गया है। कितने आरोपी सर उसमें? कुल मिला के 5 आरोपी हैं। कौन सी टीम पर सर लगा रहे थे? हमारी जो साइबर टीम है उनको सूचना मिली थी और उनके द्वारा कार्रवाई की गई। सर ये अंतर्राज्यीय गिरोह से भी इसके तार हो सकते हैं सर, कहीं ना कहीं जिस तरह आईपीएल जो अब इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके सामने अनुसंधान में हम जो है अगले कार्रवाई करेंगे। जिस मैच के लिए सर आईपीएल के मैच जो कल चेन्नई और हैदराबाद के बीच में था उस मैच में ये सट्टा हो रहा था जो पकड़ा गया सर भाजपा नेता है जिसके मकान से पूछ रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। अपराधी जो गिरफ्तार किए गए उन सभी जो मिले थे उनको गिरफ्तार किया गया। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट महेश्वर।